सब्सक्राइब करने और बेल आइकॉन को प्रेस करने में आपके पैसे खर्च नहीं होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। मैं हूं काशिफ नकवी और आप लोग देख रहे हैं हम फनकार। और हम फनकार में आज जो मौजू हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, मोबाइल के बगैर लोगों की ज़िंदगी कैसी है, आज इस हवाले से हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए ज़रा चलते हैं। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका जनाब? मेरा नाम ज़ीशान बहादुर है। ज़ीशान बहादुर, हैं ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। नाम आपका जानने को? जानी जुने जो। जानी जुने जो। जानी जुने जो। जी, क्या कर रहे थे? माशाल्लाह आप जबरदस्त। हमारा कल्चर डे आ रहा है, उसके लिए हम सॉन्ग बना रहे थे। अच्छा, जबरदस्त, ये तो बहुत बड़ा। मैं काफी देर से आप लोगों को देख रहा था और बड़ा मजेदार कुछ मुझे, मैं दूर से देखता हुआ आपको आया, मैंने कहा कुछ बड़ा मजेदार हो रहा है, आइए जरा इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आज हमारा मौजू ये है की आज हम ये जानना चाह रहे हैं, ये जो मोबाइल आपके हाथ में, इसके बगैर आपकी जिंदगी कैसी होगी। कितना सदमे वाला सवाल पूछ लिया मैंने आपसे। हम पूरा हो गया अभी, इसके इधर एक के चक्कर में लगा हूँ, वो देख रही है कब से। अच्छा, नंबर देने के चक्कर में हूँ बस, रब्ता हो। बड़े खतरनाक आदमी यार। पठान आते थे और दो दरिया और सीवी पे चल लेते थे, मड़ा पिक्चर खींचे हम आपकी। हाँ। तो पिक्चर खींचते थे, वहाँ से हम करवाते थे 10 रुपए में। मोबाइल के बगैर भी जिंदगी एंजॉय वाली है। अच्छा, मैं नहीं समझता कि मोबाइल जरूरी है। मोबाइल के बगैर पहले भी जीते थे और अभी भी जी सकते हैं इस दौर में, लेकिन जीने वाला होना चाहिए, दिल जवां होना चाहिए। चेहरे से कुछ नहीं होता, लेकिन चेहरे पे सफेदी है। माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं मेरे, लेकिन एंजॉय कर रहा हूं लोगों के साथ। और वही बात है कि आपका दिल जवान होना चाहिए। दिल जवान होना चाहिए, दिल जवान होना चाहिए। तमाम चीजें जो है ना वैसी चल रही हैं। और महंगाई जितनी भी हो कोई मसला नहीं है, घबराना नहीं है। सबसे पहले आप लोगों ने सबसे पहले घबराना नहीं है आपसे। बिल्कुल, अभी सदमा लग गया। लग गया, रोना नहीं है बस। मैं बोलूं, मैं रोने के काबिल हो गया? हो गया। मुझे लग रहा है अभी तुम वैसा सवाल कर रहे हो ना, मैं क्या करूं? रोने ये आधी घर वाली है, झूठ बोल ले ना हो तो समझो कुछ। अच्छा, पता नहीं क्या हो जाए। अच्छा, अब पहले के जमाना कुछ नहीं होता, अब आ गई तो बस समझो इसके बगैर नहीं रहता। वैसे ये बात सही है, अपनी घरवाली से ज्यादा आजकल हम इसको वक्त देने लगे हैं, और जिससे अपनी घरवाली भी बड़ी नाराज होती है कि यार ये कमबख्त मारा जो आपके हाथ में हर वक्त रहता है ना, ये तबाही का वजह बन चुकी है हमारी। अब नहीं था भाई, अभी थोड़ा मजा आता है इसमें। कभी कभी मुझे ऐसा लग रहा है बाकी घरवाली वाले हैं आप? घरवाले हैं नहीं अभी तो नहीं है, फिर भी अभी से बेचारे सदमे का शिकार लग रहे हैं आप। अच्छा, पैकेज कराना आसान है आजकल के जमाने? बड़ा मुश्किल है यार, ये ना पूछो। हाँ, ये ना पूछो, कसम से 7,000 का क्या बोलते हैं, 700 का पैकेज कराओ। हाँ, फिर वो आधे घंटे में फिनिश होता है। आधे घंटे? ये तो बड़ी मजेदार बात बताई आपने। मैंने गया था अभी 2 दिन बाद पैकेज किराया था, आधे घंटे बाद ये फिनिश हो गया। आधे घंटे बाद? हाँ, ये तो केस करना चाहिए हमें। मैंने बोला था इनको ना, फोन उठा रहे हैं ये, इनको कॉल करो, इससे बात करो, उससे बात करो, ये करो, उसमें वो सारा बैलेंस में सारा बैलेंस गया। एमबी कम देते हैं ना, वो एमबी कम देते हैं ना दुकान वाले। अच्छा, मसला यही है, हमें क्या पता। वैसे एक बात है, आजकल अच्छा मोबाइल रखना भी एक मुसीबत है। मुसीबत अगर ना रखो तो बोलो उसके पास अच्छा मोबाइल है, इसके पास ऐसा है, इसके पास ऐसा है, फिर यार तुम्हारे पास गंदा मोबाइल है, ऐसे भी प्रॉब्लम मत है। क्या बात है, क्या बात है। दोबारा नाम बताइए अपना। मेरा जानी जुने जो। दिल पे लिख दिया हमने आज अपना नाम। मैं लिख दिया बस, हमने लिख दिया, अच्छी बात। मैं भी लिख दिया, लिख दिया। काशिफ कहते हैं मुझे। थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जरा एक दफा दोबारा हमें करके दिखाइए जो आप लोग कर रहे हैं। क्या हम भी कुछ कर सकते हैं इसमें? मोबाइल के बगैर हमारी जिंदगी ही नहीं है। अच्छा, नहीं है भाई। कैसे नहीं है मुझे चले आप बता दें, आपने इतने मजेदार अंदाज से बोला है। हर लिहाज से नहीं है, क्योंकि ये भाई आए हैं हमारे मर्दान से। इधर आए मुजीब भाई, इधर आप करीब आगे आ जाए। आ जाए, आ जाए मुजीब भाई, आप भी आ जाए। ये मर्दान से आए हुए, ये बंदा जो है ना सुबह से लेके शाम तक मोबाइल मोबाइल मोबाइल। अच्छा। ठीक है ना, उसके अलावा जब भी हम लोग जहाँ भी जाते हैं ये भाई जो है ना, हमें कहते हैं कि यार आप हमसे ये बात नहीं करते। अब जब से ये आए हुए इन्होंने हमसे कोई भी बात नहीं की, इन्होंने सिर्फ जो है ना ये मोबाइल में ये पबजी वगैरह इस तरह की टिकटॉक इस चीज़ों में ही घुसे रहते हैं। तो इसीलिए मुझे भी ऐसा लगता है कि मोबाइल के बिना मेरी भी ज़िंदगी नहीं है। मैंने इनसे कम बातें की, मोबाइल से ज़्यादा की जब से ये आए हैं, समझ रहे हैं आप? यार वैसे एक बात है, बड़ी मज़ेदार बात आपने यहाँ कही है।
मोबाइल से बड़ी दूरियां पैदा हो गई हैं। आप देखें, मर्दान से आपके बेहतरीन दोस्त आए हैं और उसके बावजूद भाई का ये हाल है। भैया बात सुनो यार, इतना जुल्म ज्यादती ना करो यार। आप दोस्त के पास आए हो, अपने दोस्त को वक्त दो। ये नहीं, मैं भी ऐसे हूँ, मैं भी इसको वक्त नहीं दे रहा हूँ। साथ बैठ के एक दूसरे में हम लोग सिर्फ मोबाइल में ही लगे रहते और कुछ भी नहीं करते। अरे मेरे भाई, फिर तो मैं तुम्हें दुआ दे सकता हूँ। खुश रहो, आप भी खुश रहिए। अस्सलाम वालेकुम, और एक दूसरे को वक्त देना सीखिए। तुम्हें पता है बड़ी लंबी रातें और मोबाइल में लगे रहो सुबह तक, जब अजाने हो जाते आराम से सो जाओ। मोबाइल अगर नहीं हो तो कैसी होगी आपकी जिंदगी, बताइए। अधूरी है हमारी जिंदगी, अधूरी है। बस मोबाइल है तो सब कुछ है। अच्छा जी, और बस अगर मोबाइल नहीं होता तो बोरियत ही बोरियत है। मोबाइल नहीं है तो, मोबाइल है तो जिंदगी अच्छी है। तुमसे ना हो पाएगा। मुझे बड़ा एक शरारती एक सवाल आ रहा है कि बाल कहाँ से कटवाए आपने? ये ड्रेसर से कटवाए। पक्की बात है? ये वो वाला तो नहीं है, वो जो आजकल वो जो जिससे क्या कहते हैं उसको, जिससे वो गोश्त काटते हैं, उससे वही से कटवाया? हाँ उससे ही कटवाया। वाला यार, एक मिनट यार, कहीं डेंट वेंट तो नहीं पड़ गया? नहीं, डेंट नहीं पड़। चलिए शुक्रिया दोस्त, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। ऑलराइट दोस्तों, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अब अगली वीडियो में जल्द अज जल्द हाजिर होंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।